हीरो ने इतनी सस्ती बाइक उतार के तो एक चौका लगा दिया है। इतनी सस्ती होने का रीज़न इस बाइक में ये भी है क्योंकि इस बाइक में आपको ना डिस्क ब्रेक मिलती है, ना सेल्फ स्टार्ट मिलता है, ना LED, नथिंग डिजिटल, सब एनालॉग एंड फुल देसी बाइक है ये। ऐसा ही नहीं है कि हम बड़ी बड़ी गाड़ियों का ही रिव्यू करते हैं, हम छोटी से छोटी गाड़ी, मोपेड, साइकिल, आने वाले टाइम में साइकिल का भी रिव्यू करेंगे, ट्रक्स का भी रिव्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल RDV। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हीरो की तरफ से आने वाली मोस्ट अफोर्डेबल यानी कि सबसे सस्ती बाइक एंड दैट इज हीरो HF 100। HF डीलक्स से क्या क्या चेंजेस मिलेंगे एंड क्यों ये HF डीलक्स से भी 5 से 7 हज़ार रुपये सस्ती है, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपको ये चला के दिखाएंगे कि ये स्पेशल बाइक जो कि सबसे सस्ती है चलने में कैसी है। सबसे सस्ते होने की वजह से इसके चलने में कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई कमी तो नहीं है, तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सारी चीज़ें। एंड HF डीलक्स से ये इसलिए सस्ती है क्योंकि इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलता, ना इसमें आपको i3s की टेक्नोलॉजी मिलती है, तो उस करके ये और सस्ती कर दी गई है। एंड ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो 64,000 रुपीज़ से भी कम आपको ये बाइक मिल जाती है। एंड सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट व्यू में, आपको इसमें फ्रंट व्यू में क्या क्या मिलता है। आप देख सकते हैं क्रिस्टल क्लियर हेलोजन हेडलाइट आती है, यहाँ वाइजर आती है, हीरो की बैजिंग आएगा एंड यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलेंगे जो कि हेलोजन है। प्लास्टिक मडगार्ड मिलेगा, यहाँ पे नंबर प्लेट लगती है। एंड अब आते हैं इसके शॉकर्स की तरफ, इसके शॉकर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैं आपको इस बाइक की राइड करके बताऊंगा कि शॉकर की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। एंड शॉकर के सस्पेंशन ट्रैवल की बात करें तो दैट इज़ 125 mm एंड इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलती हैं 130 mm के फ्रंट एंड 130 mm का ही आपको बैक ड्रम मिलेगा। IBS टेक्नोलॉजी आती है इसमें, IBS मतलब इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें ड्यूअल ब्रेकिंग सिस्टम आती है कि जैसे ही आप पीछे की ब्रेक अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली आगे की ब्रेक भी लग जाएगी। 18 inch का अलॉय व्हील मिलता है, 5 spoke 1 2 3 4 5 5 spoke का अलॉय व्हील मिलेगा। टायर साइज़ की बात करें तो 2.75 inch यानी 3.25 inch इस बाइक के टायर की चौड़ाई है एंड 18 inch इस बाइक का व्हील आता है। एंड अब बात करते हैं इसके साइड व्यू की, तो इसमें साइड व्यू देख सकते हैं आप। ओवरऑल लेंथ की बात करूं तो अंडर 2 meter इसकी ओवरऑल लेंथ मिलेगी, 740 meter की इसमें आपको चौड़ाई मिलेगी। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 9.6 liter इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो दैट इज़ 165 mm। सीट हाइट की बात करूं तो दैट इज़ 805 mm, 805 mm की सीट हाइट है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। मेरी हाइट 6 feet है तो मैं तो बहुत ईजिली चला लेता हूँ, लेकिन 5.5 feet का बंदा भी इसको ईजिली चला लेता है, आराम से ज़मीन पर पैर लग जाते हैं। एंड अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 97.2 cc का सेम इंजन मिलता है जो कि स्प्लेंडर प्लस में भी यूज़ होता है, HF डीलक्स में भी यूज़ होता है। इंजन में कोई डिग्रेड या इंजन में कोई कमी नहीं करी गई। पावर की बात करें तो दैट इज़ 7.9 bhp एट 8000 rpm एंड टॉर्क रहेगा इसका 8 Nm एट 6000 rpm मेटेड विथ 4-speed मैनुअल गियर बॉक्स। 4 gear आते हैं इसमें एंड चारों के चारों पीछे की तरफ लगते हैं। यहाँ पे आपको हीरो की बैजिंग मिलेगी, HF 100 की बैजिंग मिलेगी, ब्यूटीफुल से ग्राफिक्स, ब्लैक कलर है, टोटल 8 colors आते हैं इस बाइक में। सेंटर स्टैंड साइड स्टैंड आपको दोनों मिलते हैं एंड साइड स्टैंड की इंडिकेशन भी आपको इसके कंसोल में मिलेगा, वो अभी दिखाएंगे। फुटरेस्ट आपको इसमें रबर के मिलते हैं, पीछे भी फुटरेस्ट फोल्डेबल रबर के मिलते हैं। बात करें रेयर सस्पेंशन की तो इसमें 2-way adjustable हाइड्रोलिक सस्पेंशन आते हैं, 2-way adjustable। अब हीरो की हर बाइक में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेंगे। सुपर स्प्लेंडर में 5-way adjustable चॉकर्स मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको 2-way adjustable चॉकर ही मिलेंगे। प्लास्टिक का इसमें आपको चेन कवर मिलता है, इसमें आपको सारी गार्ड मिलता है, इसमें आप लेग गार्ड भी लगवा सकते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ एन एक्सेसरी। एंड यहाँ की तरफ आपको ग्रैब हैंडल प्लस बैक रेस्ट भी मिलता है, प्लास्टिक का मड गार्ड, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, हिल नहीं रहा। इंडिकेटर की बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो हेलोजन, इसमें आपको हेलोजन रेयर लैम्प मिलेगी, यहाँ पे नंबर प्लेट आ जाएगी। एंड बात करें इसके इस साइड की राइट साइड की तो आपको इसमें पाउडर कोटेड साइलेंसर मिलता है, साइलेंसर प्लेट भी मिलती है, दैट इज़ पियानो ब्लैक, अच्छी लग रही है काफ़ी। ये भी चीज़ आपको प्लास्टिक की मिलती है। एंड किक स्टार्ट मिलेगी, इसमें सेल्फ स्टार्ट हटा दिया गया है तभी इतनी सस्ती कर दी गई है, किक स्टार्ट ही मिलेगी। एंड इसमें आपको ब्रेक लीवर में भी यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है, यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है ताकि इंजन से आपका पैर ना लगे। एंड यहाँ पे आपको स्पार्क प्लग
का कैप जो है वो भी रेड एक्सेंट में मिलता है, जो कि एक अच्छा लग रहा है, दूर से आई कैची लग रहा है। एंड अब आते हैं इसके क्लस्टर की तरफ, तो आप क्लस्टर की तरफ देख सकते हैं कोई डिजिटल क्लस्टर नहीं मिलता, फुली एनालॉग, एनालॉग स्पीडोमीटर, एनालॉग फ्यूल मीटर, इसमें आपको चाबी मिलेगी सिंपल सी, बिल्कुल दो चाबियाँ मिलती हैं। साइड स्टैंड का इंडिकेशन भी मिलेगा इसमें आपको, फ्यूल पंप का इंडिकेशन, न्यूट्रल इंडिकेशन, हाई बीम का इंडिकेशन। यहाँ की तरफ कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ एक्सेलरेटर, फ्रंट ब्रेक लीवर। यहाँ की तरफ आपको हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर, हॉर्न, दिस इज़ अ क्लच, हैंडल की क्वालिटी एंड हैंडल बार जो है, हैंडल बार्स जो हैं इसकी क्वालिटी भी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है लेकिन डिसेंट है और अच्छी हो सकती थी। दिस इज़ फ्यूल लिड जो कि एलुमिनियम का है। एंड अब आपको इस बाइक की आवाज़ सुनाते हैं इसको स्टार्ट करके। ये देखिए, जैसे ही मैंने बाइक को स्टार्ट करा तो इसमें फ्यूल पंप्स की आवाज़ आती है। तो एक BS6 होने की वजह से आपको एक चीज़ का और ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं तो इसमें फ्यूल पंप में आवाज़ आती है चूँ करके, जब वो आवाज़ बंद हो जाएगी तभी आपको बाइक स्टार्ट करनी है, नहीं तो कहीं ना कहीं फ्यूल पंप्स में गड़बड़ हो जाती है। ये देखिए, जैसे ही मैं बाइक स्टार्ट करूँगा आवाज़ आएगी, देखिएगा। ये देखिए, दोबारा सुनिए गाइस, ये आवाज़ आई। अब आपको किक मारनी है, BS6 होने की वजह से इंजन में काफ़ी अच्छी रिफाइनमेंट आ गई है। हल्का सा मडगार्ड वाइब्रेट कर रहा है लेकिन वाइब्रेशन लेवल इसमें बिल्कुल नेल कर दिए गए हैं। एंड वाइब्रेशन इसमें इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें आपको डबल क्रैडल फ्रेम चैसी मिलेगी जो वाइब्रेशंस को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। एंड आवाज़ सुन सकते हैं आप, एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ एक्सेलरेशन है, वैसे ही नॉर्मल सी आवाज़ जैसी सालों से मिलती आ रही है। एग्जॉस्ट में कोई चेंज नहीं किया गया। एंड बात कर लें इसके रेयर टायर सेक्शन की, तो रेयर टायर सेक्शन भी सेम मिलेगा जो कि आगे की तरफ आता है, 2.75 यानी 3.25 इंच चौड़ा एंड 18 साइज़ का इसमें आपको टायर और 18 नंबर का इसमें आपको अलॉय व्हील मिलता है। 18 इंचेस का आपको इसमें अलॉय व्हील मिलेगा, 5 स्पोक सेम एंड इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम आती है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। एंड ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट द राइड ऑफ दिस बाइक, लेट्स स्टार्ट द राइड ऑफ दिस ब्यूटिफुल एंड लाइट वेट बाइक दैट इज HF 100 फ्रॉम हीरो। इससे सस्ती बाइक हीरो की आपको नहीं मिलेगी कहीं पर भी। एंड हीरो ने इतनी सस्ती बाइक उतार के तो एक चौका लगा दिया है। लेट्स स्टार्ट द राइड, लेट्स गिव इट द रेव, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। गाइस इतनी हल्की फुल्की बाइक है ये, लाइट इतनी लाइट, इतनी हल्की बाइक चलाने का भी अपना एक अलग मज़ा है। 70 पे पहुंच गई विद इन नो टाइम, लेकिन ये बाइक बहुत ज़्यादा शिवर हो रही है, बबल हो रही है। बैलेंस इस बाइक को इतना इजीली मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक रीज़न और भी है, क्योंकि मुझे एक हैवी बाइक चलाने की आदत है मेरी, स्कूटी भी मेरी काफ़ी वो स्टेबल है, काफ़ी हैवी फील होती है, लेकिन ये मुझे बहुत लाइट वेट लग रही है। जिपी पैपी, अपने आप देखिए कैसे हिले जा रही है, हिले जा रही है। दैट्स अ वेरी वेरी लाइट बाइक आई विल से, सिटी के लिए तो बहुत ही बढ़िया बाइक है। एंड डे टू डे माइलेज की बात करें तो ईजिली आप एक्सपेक्ट करिए, बींग अ BS6 बाइक से आप एवरेज एक्सपेक्ट करिए 55-65 KMPL की, इतनी तो ये बाइक आपको ईजिली दे देगी। एंड करें बात पावर की, पावर इज़ डिसेंट, टॉक इज़ डिसेंट, 97cc का आपको सेम इंजन मिलेगा, चाहे आप स्प्लेंडर लीजिए, चाहे आप HF डीलक्स लीजिए, HF 100 लीजिए, आपको कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं मिलेगा। हाँ, चलने में ज़रूर फ़र्क है क्योंकि स्प्लेंडर थोड़ी सी हैवी है, ये बहुत ज़्यादा ही लाइट है। एंड कर्व वेट की बात करें तो 112 किलो के अप्रोक्स आपको इसका कर्व वेट मिलता है। अभी बीच में से थोड़े गड्ढे आए थे तो शॉकर्स ने अच्छा काम किया, प्राइस पॉइंट को देखा जाए तो शॉकर्स ने बहुत अच्छा काम किया एकदम से, मतलब इंटरसेप्टर के शॉकर्स मुझे इतने बुरे लगते हैं कि मुझे इस बाइक के शॉकर अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। इतनी सस्ती होने का रीज़न इस बाइक में ये भी है क्योंकि इस बाइक में आपको ना डिस्क ब्रेक मिलती है, ना सेल्फ स्टार्ट मिलता है, ना LED, नथिंग डिजिटल, सब एनालॉग, एंड फुल देसी बाइक है ये। जिसको देसी बाइक चाहिए और सस्ती बाइक चाहिए एंड हीरो का भरोसा चाहिए तो वो लोग इस बाइक की तरफ देखें, बहुत इंप्रेसिव बाइक है। छोटा सा टैंक एंड मेरे लेग्स ने इसके टैंक को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है,
बात करें पावर की तो 97 cc, दैट मेक 7.9 bhp एट 8000 rpm एंड टॉक आउटपुट रहेगा इसका 8 nm एट 6000 rpm। तो पावर एंड टॉक डिसेंट है, वही स्प्लेंडर में मिलता है आपको। ये इंजन मैं काफ़ी बार राइड कर चुका हूँ, काफ़ी सालों से चला भी चुका हूँ मैं। एंड बाकी बोला, ऑल ओवर इंडिया आपको ये बाइक मिल ही जाएगी। देश की धड़कन है ये बाइक, लिटरली देश की धड़कन है। लेकिन बाइक को चलाने में मज़ा बहुत आ रहा है। बीच में एक अच्छा खासा हम्प आया, उसमें से भी ये बाइक इजीली निकल गई। एंड वो इसका एक रीज़न भी है बाइक इजीली निकलने का, इसके शॉकर्स अच्छे हैं, आगे हाइड्रोलिक शॉकर्स आते हैं। एंड इसके टायर्स 18 इंचेस के मिलेंगे आपको। तो टायर्स 18 इंचेस होने की वजह से जो शॉकर्स हैं इसके बम्प्स को अच्छे से अब्सॉर्ब करते हैं। जितना ज़्यादा पहिया बड़ा होता है, उतना ज़्यादा पहिए का घेरा बड़ा होगा, डायमीटर बड़ा होगा, उतना ज़्यादा वो जो पोर्टल्स होते हैं, जो बम्प्स होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, उतने ईजिली उससे निकल सकती है कोई भी बाइक हो। जितने ज़्यादा बड़े पहिए होंगे उतने ईजिली उस बाइक की राइड रहने वाली है, कम्फर्टेबल उस बाइक की राइड रहने वाली है। कोई डिजिटल कुछ नहीं। एंड बात करें हॉर्न की, पीपी सिंगल हॉर्न। बात करें इसके राइड एर्गोनॉमिक्स की, तो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है इसकी। पोजीशनिंग में भी कोई चेंज नहीं किया गया, सिर्फ चेंज किया गया है इसको सस्ता बनाने के लिए। सिर्फ आपको चेंज मिलेगा कि इस बाइक में आपको ना सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सेल्फ स्टार्ट निकाल के डिस्क ब्रेक तो कह रहा है, जब डीलक्स में आती ही नहीं थी, वो तो स्प्लेंडर में भी नहीं आती। तो सेल्फ स्टार्ट निकाल के एंड i3s निकाल के इस बाइक को थोड़ा सा अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करी गई है। इसकी बात करूँ तो ऑलमोस्ट 64,000 आपको ये पड़ जाती है, 64,000 से भी कुछ कम। ब्रेक्स की बात करूँ, ब्रेक्स इसके अभी लगा के देखते हैं हम। ये है, ये पहुँच गई हमारी बाइक 60 पर, ब्रेक लगाती हैं एकदम से। तो ब्रेक्स इसके अच्छे हैं। आगे फ्रंट साइड आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, रेयर साइड भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा, लेकिन इसके ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि डिस्क ब्रेक का एक अपना ही फील है, डिस्क ब्रेक अलग ही कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराती है, वैसा तो कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ड्रम ब्रेक्स बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। अगर आपको इमरजेंसी में रोकना भी पड़ रहा है तो ये बाइक रुकेगी। एंड राइडिंग एर्गोनॉमिक्स की बात करूँ, राइडिंग एर्गोनॉमिक्स मतलब आप जब बैठते हैं बाइक में तो इसकी लेग पोजिशनिंग, इसकी सीट पोजिशनिंग, कुशनिंग, वो कितनी कम्फर्टेबल है, तो उसे एर्गोनॉमिक बोलते हैं। कि अगर आप बाइक में बैठ रहे हैं तो अनकम्फर्टेबल तो नहीं हो रही, तो ये बाइक बिल्कुल अनकम्फर्टेबल नहीं हो रही। इसका आप हैंडल देख सकते हैं, हैंडल की पोजीशनिंग बहुत कंफर्टेबल है, मतलब बहुत पास भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो बहुत इजीली चला पा रहे हैं। मेरी हाइट अप्रोक्स 6 feet है, तो मैं तो इसे बहुत इजीली चला पा रहा हूँ। जिनकी हाइट इससे थोड़ी कम है, 5.5 feet भी लगा लीजिए या 5 feet भी लगा लीजिए, वो बंदा भी, 5 feet का बंदा भी इसको इजीली चला लेगा। सीट हाइट की बात करें तो 805 mm सीट हाइट आती है, सीट हाइट इसकी ठीक ठीक है। जैसे मेरी इंटरसेप्टर की 800 mm है, इसमें भी आपको 800 mm सीट, मतलब सेम लेवल की आपको सीट हाइट मिलती है। स्प्लेंडर में भी आपको सेम लेवल की सीट हाइट मिलेगी। सीटिंग कुशनिंग की बात करूँ तो सीटिंग कुशनिंग भी इस बाइक की कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है एंड हार्ड भी नहीं है। हार्ड कुशनिंग मुझे अच्छी नहीं लगती, डिसेंट सी अच्छी लगती है, तो इसमें डिसेंट सी कुशनिंग यूज़ करी है। लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप लॉन्ग राइड्स में भी जा रहे हैं तो कुशनिंग ज़्यादा होने की वजह से ना आपको जो पीठ में जो झटका है, जो शॉकर एकदम से जो झटका एब्जॉर्ब करते हैं, पहले शॉकर एब्जॉर्ब करेंगे फिर सीट एब्जॉर्ब करेगी। गड्ढों को सोखने की जो कैपेबिलिटी है ना, जो क्षमता है, वो इस बाइक की कुशनिंग में अच्छी खासी है। ये बाइक की टॉप स्पीड अप्रॉक्स 95 kmph की आपको मिल जाएगी, सेम आपको स्प्लेंडर मिलती है एंड सेम आपको इसमें मिलेगी। तो 100 cc बाइक में 95 kmph, हालांकि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि इतनी तेज़ भगाएं, क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक नहीं आती एंड इसका बैलेंस भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हल्की बाइक है तो बैलेंस आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपको सडन ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़े तो ये बाइक रुकेगी नहीं, ऐसा नहीं है रुकेगी नहीं, बस ये है कि आपको उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं कराएगी। इसमें साइड स्टैंड का इंडिकेशन भी आता है, वो अब हीरो की हर बाइक मिलेगा आपको। लेकिन बहुत स्मूथ इंजन, बहुत रिफाइंड इंजन, PS6 होने की वजह से काफ़ी रिफाइंड इसका इंजन हो चुका है। एंड अभी इसे रेव करेंगे, फर्स्ट गियर 25, सेकंड गियर 50, थर्ड गियर 70, फोर्थ गियर 90। तो 95 तक ये पहुंच जाएगी, भी नई नई बाइक है तो इसे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते। लेकिन बात करूँ कंट्रोल की, तो कंट्रोल डिसेंट है,
मतलब जितना वेट इस बाइक में है उस हिसाब से कंट्रोल डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। हीरो तो हीरो है, हीरो जानी जाती है अपनी रिलायबिलिटी की वजह से, अपनी लो मेंटेनेंस की वजह से। इस बाइक की मेंटेनेंस तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें सेल्फ स्टार्ट भी हटा दिया है, तो सेल्फ स्टार्ट की जो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है कई सालों बाद वो भी आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। सिंपल सा किक स्टार्ट इंजन, कुछ फैंसी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, कुछ नहीं, एक सिंपल सी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही रिलायबल एंड बहुत ही सिटी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल बाइक। एंड ये आपकी डेली कम्यूटर है। डेली कम्यूटर मतलब जो बाइक या जो व्हीकल को आप डेली यूज़ करते हैं, बहुत ही इजी टू यूज़ होती है। चाहे आप गलियों में घूमें, रोड्स में घूमें, आना जाना करना है घर से दुकान, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो उसके लिए ये बाइक परफेक्ट है। बाइक को ऑन करने का अपना अलग ही मज़ा है। चाबी घुमाई, न्यूट्रल का साइन आएगा, किक मोड़ी, किक मारी एंड स्मूथ स्टार्ट, स्मूथ इंजन। ये देखिए मैं सिर्फ 25 की स्पीड में चल रहा हूँ, फोर्थ गियर लगा हुआ है एंड फोर्थ गियर में अपने आप ही ऑब्वियसली ये बाइक बहुत स्मूथ हो जाती है। तो ये बाइक आराम से गेड़ी मारने वाली है। 25 से 30 की स्पीड में इस बाइक को चलाइए, फोर्थ गियर लीजिए, 65 की माइलेज आएगी, 65 के एमपीएल की माइलेज आएगी एंड कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, आइए जाइए मौज करिए। बात करूँ उसके शॉकर्स की, तो शॉकर्स इम्प्रेसिव हैं, काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। नंबर वन पोजीशनिंग जो है सबसे इम्प्रेसिव जो इस बाइक की लगी है मुझे चीज़, वो लगी इसकी शॉकर्स, इसके सस्पेंशन। इंजन तो सेम लेवल का है ही है, लेकिन शॉकर्स में, सस्पेंशन में काफ़ी अच्छा काम किया है हीरो ने। हालांकि सेम हाइड्रोलिक सस्पेंशन आते हैं, लेकिन रेयर साइड आपको इसके एडजस्टेबल शॉकर्स मिलते हैं, तो एडजस्टेबल करने की वजह से सॉफ्ट एंड हार्ड इसके सस्पेंशन को आप कर सकते हैं। अगर फ्रंट ब्रेक की बात करूँ, वैसे तो जो ड्रम ब्रेक्स होती हैं, जिन बाइक में फ्रंट ब्रेक्स ड्रम ब्रेक्स होती हैं, उनकी फ्रंट ब्रेक उतनी इंप्रेसिव नहीं होती, पीछे वाली ब्रेक ज़्यादा अच्छे से लगती है। आप नोटिस करिएगा, जो दोनों, जिस बाइक में दोनों की साइड ड्रम ब्रेक्स होंगी, उसकी ड्रम ब्रेक जो है फ्रंट वाली इतनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती। डिस्क ब्रेक अगर आगे लगी होती तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अगर कंपेयर करूँ इसे इसके कॉम्पिटिटर से, चाहे वो रोडियन है, उसका पिकअप हालांकि थोड़ा ज़्यादा है, स्पोर्टी आपको उसमें साउंड मिलेगी, लेकिन उसकी जो फ्रंट ब्रेक है ना, उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसकी उससे बेटर है। मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन TVS रोडियन से इसमें आपको उसकी ब्रेक थोड़ी सी अच्छी मिलेगी। देखिए ये, देखिए बहुत, ये जो झटका है ना, ये झटका देखो एकदम झटके से रुक रही है, तो ये झटका जो है ये हीरो की ड्रम ब्रेक्स में मिलता है। ये स्पेशलिटी है, जो चीज़ है वो है, जो चीज़ तारीफ के लायक है वो है। जो झटके से रुकने वाली बात है ना, ये आपको ड्रम ब्रेक सिर्फ हीरो की बाइक में मिलेंगी। एंड इसके सस्पेंशन में कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है, जितने मर्जी गड्ढों से दौड़ाइए, भूरी रोड से दौड़ाइए, तो काफ़ी बाइक में बहुत कट कट पटपट की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ें आती हैं, लेकिन इसके सस्पेंशन में कोई आवाज़ मुझे नहीं आ रही। वैसे तो मैंने 100 CC की जितनी भी बाइक चलाई हैं उसमें आवाज़ मैंने नोटिस नहीं करी, इसमें भी मैं कोई आवाज़ नोटिस नहीं कर रहा। जितनी हैवी बाइक्स होती हैं ना, ज़्यादा CC वाली बाइक्स, महंगी बाइक्स, उनमें कहीं ना कहीं आवाज़ होती है, चाहे वो पता नहीं वायर्स होती हैं, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, कभी नंबर प्लेट है, कोई लाइट है, कहीं टकरा रहा है, इनमें ऐसा कुछ टकराने वाला या आवाज़ वाला सिस्टम होता नहीं है। बात करूँ इसके स्टेबिलिटी की, ये देखिए, ये मैं 50 की स्पीड में ऐसे कर पा रहा हूँ। इसे आप हाई स्पीड में ऐसे मत करिए, क्योंकि इसके आगे वाले टायर सिर्फ 2.5 इंच चौड़े आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्लिप कर जाएंगे, आपकी जान को रिस्क होगा, तो वो काम आप मत करिएगा। तो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको HF 100 अच्छी लगी हो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, एंड हीरो के फैंस इसको अपना प्यार, इसको अपना लाइक ज़रूर दें। आने वाले टाइम में हम ऐसे ही बाइक का रिव्यू आपके लिए करते रहेंगे। ऐसा ही नहीं है कि हम बड़ी बड़ी गाड़ियों का ही रिव्यू करते हैं, हम छोटी से छोटी गाड़ी, मोपेड, साइकिल, आने वाले टाइम में साइकिल का भी रिव्यू करेंगे, ट्रक्स का भी रिव्यू करेंगे। तो आप अपना प्यार बनाइए रखिएगा एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा गाइस। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ये सब करने में, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आपके एक एक सब्सक्राइब से काफ़ी मोटिवेशन आता है। तो दैट्स इट गाइस, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।